हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, सबसे पहले थैंक यू मोदी जी। क्यों? क्योंकि यार मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है यार। देखिए, उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया और सभी लोग यही चाहते थे कि इंडिया में टिकटॉक को बैन किया जाए, चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट किया जाए। कर दिया मोदी जी ने और बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने। देखिए, टिकटॉक पे जो है बहुत ही गलत कंटेंट डाला जाता था और टिकटॉक उसको प्रमोट करता था, वो फॉर यू पेज में डालता था, वो ये नहीं देखता था ये गलत है या सही, बस उसके व्यूज आ रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा चल गया, फॉर यू पेज में डाल दो, ये थोड़ी ना मतलब होता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस है, फिर भी उसको फॉर यू पेज में डालता रहता था। तो देखिए, ये तो एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। और अगर बात करें पबजी की, तो लोग कह रहे हैं क्या पबजी बैन हुआ है? नहीं। तो देखिए, पबजी इंडिया में बैन नहीं हुआ है क्योंकि यह चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है और भारत ने, मोदी जी ने चाइनीज एप्लीकेशन को बंद किया है। तो ये जो है पबजी कोरियन ऐप है, इसलिए अभी ये बैन नहीं हुआ है। और ये बैन होगा कि नहीं, ये तो मोदी जी फैसला लेंगे, भारत सरकार फैसला लेगी कि हाँ इसको बैन करना है या नहीं। अब देखिए, सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक के साथ ही साथ 58 जो एप्लीकेशन और भी हैं उनको भी बैन किया गया है, जैसे सैरिट हो गया और हेलो हो गया, जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा चीज हुआ है और फिर से थैंक यू मोदी जी। बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।